सिखा रही हूँ शहनशाही कोफ्ते अंडे। इस रेसिपी को पूरा देखें, आखिर तक देखें कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। चले आएँ शुरू करते हैं बनाना। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको वही जो हरा कोफ्ता मैंने सेव करने का तरीका बताया था, मैं वही आज पकाने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से हमने पकाना है। शहनशाही रेसिपी की तरह हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। ये सेव किए हुए कोफ्ते मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने फ्रीज़र से निकाले हुए, आधा घंटा हो गया है मगर अभी भी इसके अंदर बर्फ़ है। इसको मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ और ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। इस रेसिपी को एंड तक देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अंडे लिए मैंने 6 से 7-8 अंडे, जितने मर्ज़ी आप ले सकते हैं अंडे, 8 अंडे लिए मैंने। 1 कप मैंने दही का लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर भुना हुआ और कुटा हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने और धनिया बारीक कटा हुआ लिया है, 2 अदर टमाटर स्लाइस में कटे हुए लिए हैं, 3 अदर हरी मिर्च ली है मैंने, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा और 2 बड़ी इलायची लिए, 1/2 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, 1 अदद प्याज मैंने स्लाइस में कटा हुआ और 1 पूरा जवा मैंने लहसुन का लेके उसको मैंने ऑयल में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैंने प्याज लिया स्लाइस में कटा हुआ और 1 जवा बड़ा मैंने लहसुन का लेके इसको मैंने 1 कप ऑयल के साथ मैंने इसको ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है ताकि ये प्याज और लहसुन हो जाए, फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन रही है, बहुत ही टेस्टी। एंड तक आप इस रेसिपी को देखें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। क्योंकि जर्दियाँ हम एक साइड पे कर लेंगे और सफ़ेदियाँ एक साइड पे कर लेंगे। जर्दियाँ मैं आपको बताती हूँ, सारे अंडों की निकाल के मैं एक बॉल में डाल दूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी सफ़ेदियों का क्या करना है। ये हमने कोफ्तों में जो हमने मसाला बनाना है ये जर्दियों का बनाना है। एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। देखिए सारे अंडे मैं इसी तरह निकाल लूँगी। जर्दी हमने एक बॉल में मैंने निकाल ली है और सफ़ेदियाँ मैं इसको इस तरह स्लाइस में काटूँगी। ये देखिए आप, ये देखिए प्याज हमारा इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसको निकाल के एक ब्लेंडर में डाल दूँ। मैंने प्याज निकाल के ब्लेंड कर लिया है। अब ये जो कोफ्ते हैं ये मैं आपके सामने इसी तरह डालूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह सेव करे थे मैंने, इसी तरह मैंने रख दिए। इसको चमचा नहीं चलाना, जैसे ही ये हीट पे रहेंगे और साथ ही कोफ्ते हमारे इसमें से बर्फ़ निकल जाएगी और कोफ्ते हमारे आयल में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ सर, ये मैं 2 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे बिल्कुल इसको ज़रा ढक दूंगी। जो सेव करते हुए मैंने ऑयल लगाया था वो हीट की वजह से गर्म हो रहे हैं और साथ ही ये देखें कोफ्ते जो हैं हमारे बिल्कुल सही तरीके से ये साइड पे उजाल रहे हैं। देखें चमचा नहीं चलाना बिल्कुल भी अभी जब तक ये पूरे नहीं हो जाए। मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए किया है, मैंने इसको निकाला अभी है, 15 मिनट हुए मुझे निकाले हुए। इसको आप जिस वक्त पकाने लगें तो आप इसको 1 घंटा पहले निकाल के फ्रीज़र से रख लें बाहर। ये देखें बिल्कुल ना टूटेंगे ना कुछ होंगे, मैं आपको सारी दिखाऊंगी आपको जिस तरह ये पकेंगे। ये देखें कोफ्ते हमारे अच्छे तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो गए और बिल्कुल भी नहीं टूटे, जिस तरह मैंने बनाए थे बिल्कुल उसी तरह ही बने हुए हैं। अब मैं इसके अंदर मसाला पीसा हुआ डालूँगी जो मैंने ब्लेंड करके मसाला डाला, लहसुन का और प्याज का, ये डाल दिया मैंने। हमने काट के रख ली थी इसको बारीक बारीक स्लाइस में और जर्दियों को मैं अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह जर्दियों को हमने दबा दिया है। कोफ्ते पकने लग गए हैं प्याज और लहसुन के मसाले के साथ। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, हल्दी डालूंगी, नमक शामिल करूंगी, धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च, सॉरी जीरा और बड़ी इलायची,
लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, और टमाटरों को हम अच्छे तरीके से टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कोफ्तों को मैं आपको हिला के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ना टूट रहे हैं और मसाला भी अच्छे तरीके से हुआ है। और ये मैंने फ्रीजर से निकाल के आपके सामने आपको सारा दिखाया है कि ये देखिए। अब मैंने टमाटरों का जो था, दो आधा टमाटर रखे थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। दही हमने जो रखा था वो मैंने शामिल कर दिया। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, दही भी, सारे मसाले जात जो हमने डाले थे वो भी हमारे अच्छे तरीके से भुनने लग गए, और घी जो है साइडों पे आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जर्दियाँ शामिल करूँगी। ये देखें जर्दियाँ जो मैंने, ये जर्दियाँ शामिल कर दी मैंने। इसको मिक्स करेंगे। सर्दियाँ भी शामिल हो गई हैं। अब मैं इसमें सफ़ेदियाँ शामिल करूँगी, जो सफ़ेदी हमने स्लाइस में कटी हुई रखी है वो हमने शामिल कर दी। काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्चें हम लेंगे और हरी मिर्चों को हम बारीक बारीक सा काट के इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी इसमें, और इसको अब मिक्स करेंगे। कोफ्ते शहनशाही हमारे तैयार हैं। ये देखें कितनी टेस्टी, कलर भी बहुत नाइस आया है और बहुत ही टेस्टी, खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और बनाइएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ेदार किस्म के ग्रीन कोफ्ते, शहनशाही कोफ्ते तैयार हैं, कोफ्ते अंडे तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।